कुरान मजीद में भी अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया है कि तुम जो मर्जी है सोचते रहो, प्रोग्राम बनाते रहो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अरफ तो रब्बी, मुझे अपने रब का पता ही इससे बात से चला है कि वो इरादों को तोड़ मोड़ देता है। मैं कुछ चाह रहा होता हूं वो कुछ और करके दिखा देता है। ना तो किसी को ये मालूम है कि वो कल क्या करेगा, और ना किसी को अपनी मौत की जगह का पता है कि कहां आएगी। लेकिन अल्लाह के हां ये सारा कुछ पहले से तयशुदा है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक फरमाया, अक्सरु ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, उस चीज को कसरत से याद रखना, बार बार याद करते रहना, एक दूसरे को याद कराते रहना जो आएगी, और सारे मजे किरकिरे करके रख देगी। वो क्या है? फरमाया अल मौत, वो मौत है। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें दूसरों की मौत पर तो यकीन है कि ये भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। जरा अपने अपने गिरेबान में झांकें और अल्लाह को गवाह बनाते हुए ये बताएं कि क्या हमें भी अपनी मौत पर यकीन है, जिस तरह दूसरों की मौत पर यकीन है अपनी मौत पर भी इसी तरह यकीन है। अगर अपनी मौत पर यकीन हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा, हमारे हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। आज हमारी बदअमली, बेअमली, बेराहरवी जो कुछ भी है, इसका सबसे बड़ा सबब और वजह ही ये है कि हमें अपनी मौत पर यकीन नहीं है।